नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हमारे देश के लिए मेड इन इंडिया रोबोट्स लेजर सिस्टम को डेवलप किया और इन रोबोट्स के द्वारा हमारे देश के अंदर कई बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर इन रोबोट्स को कई दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर मेड इन इंडिया इन रोबोट्स को डेवलप कर लिया गया है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में सारी जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रहने वाले डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी के बारे में, जिन्होंने राजस्थान में स्थित मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री को कम्प्लीट किया और इसके साथ में इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई कनाडा से कम्प्लीट की और इसके साथ में वहाँ की नौकरी को छोड़ते हुए इन्होंने भारत को अपनाया और भारत में एक स्टार्टअप के साथ मिलकर जिसका नाम है SS इनोवेशंस के जरिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर में मेड इन इंडिया रोबोट सर्जरी सिस्टम को डेवलप किया, जहां पर इन रोबोट्स को नाम दिया गया मल्टी आर्म्स नोवेल टैली रोबोट्स। दोस्तों इनके जरिए देश के अंदर बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर इन मेड इन इंडिया रोबोट्स के जरिए 18 सफल सर्जरी की गई हैं और इनको देश के कई हॉस्पिटल्स तक पहुँचा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 72 रोबोट सिस्टम को स्थापित किया गया है, जहाँ पर एक पॉपुलर हॉस्पिटल राजीव गांधी कैंसर संस्थान को सौंप दिया गया है और इसके साथ में आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी ऐसे रोबोट्स को डेवलप किया जाना है ताकि भारत के कोने कोने तक ऐसे रोबोट सिस्टम पहुँच जाएँ और दुनिया से हमें इन रोबोट्स को इम्पोर्ट ना करना पड़े। दोस्तों बात करें हम इम्पोर्ट को लेकर के, तो हमारे देश के अंदर इनका इम्पोर्ट चाइना अमेरिका जैसे कई बड़े देशों से किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर मेड इन इंडिया डेवलपमेंट के साथ इन इम्पोर्ट्स पर धीरे धीरे कटौती होगी और एक वक्त आएगा कि यहाँ पर इनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा और इंडिया में ही इन रोबोट्स का डेवलपमेंट एक लार्ज स्केल पर शुरू हो जाएगा। तो अंत में दोस्तों डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को कैसा लगा लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।